बरौली अंचल के सीओ की ओर से अवैध रूप से चौकीदार को रखकर कार्य कराने और चौकीदार के पास मिले 5 डोंगल मामले की जांच करने के बाद बुधवार को डीएम के आदेश पर कलेक्ट्रेट परिसर से नगर थाने की पुलिस ने सीओ को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए सीओ से नगर थाने में करीब 4 घंटे पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। एक्शन लेते हुए उन्हें बरौली सीओ के पद से हटाते हुए हथुआ डीएसएलआर के यहाँ अटैच कर दिया गया है। अब फुलवड़िया के आरओ बरौली सीओ का प्रभार संभालेंगे। इसके साथ ही कृष्णकांत चौबे पर कार्रवाई के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा गया। बताया जाता है कि बरौली में पंचायत समिति की बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने सीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इसकी सूचना एडीएम को मिली थी। बैठक के दौरान सीओ की ओर से अवैध रूप से चौकीदार को रखकर पैसा की उगाही करने का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद सोमवार को सदर एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बरौली अंचल कार्यालय में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सदर एसडीओ ने अंचल कार्यालय में अवैध रूप से कार्य कर रहे चौकीदार आफताब आलम के पास से 5 डोंगल को बरामद कर लिया। बरामद डोंगल के बारे में चौकीदार से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान चौकीदार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद चौकीदार के खिलाफ बरौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं जांच के दौरान बरौली अंचलाधिकारी कृष्णकांत चौबे पर भी चौकीदार के माध्यम से पैसा की उगाही करने की बात सामने आई। इसके बाद बुधवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अंचलाधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाने के बाद पूछताछ की। इसके बाद डीएम के आदेश पर नगर थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने सीओ को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए सीओ से नगर थाने में करीब 4 घंटे सघन पूछताछ की गई। इसके बाद बुधवार शाम सीओ को डीएम और सदर एसडीओ बरौली अंचल कार्यालय में ले गए। इस दौरान काफी देर तक फाइलों को खंगालने का काम भी किया। बरौली अंचलाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत एक चौकीदार के पास राजस्व कर्मी का डोंगल आखिर कैसे पहुंच गया? चौकीदार के द्वारा डोंगल का कई बार दुरुपयोग करने की शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार वरीय अधिकारियों को भी दी। इसके बावजूद चौकीदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौकीदार का कुछ सरकारी कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो चुका है। एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार ने डीएम के आदेश पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। चौकीदार को आखिर डोंगल किसने दिया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। प्राथमिकी कराने के बाद जिला प्रशासन सीओ से भी पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाना चाहती है। बरौली अंचलाधिकारी को हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार को पूरा माहौल गर्म हो गया। जिला प्रशासन के हर छोटे बड़े अधिकारी और कर्मचारी में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान नगर थाने में करीब 4 घंटे पूछताछ के बाद बुधवार की शाम को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी बरौली अंचलाधिकारी को अपने साथ लेकर उनके कार्यालय में पहुंच गए। डीएम की गाड़ी बरौली अंचल कार्यालय में आने के बाद हड़कंप मच गया। कई दलाल कार्यालय परिसर छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि एडीएम को सूचना मिली थी कि पंचायत समिति की बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बरौली सीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद सदर एसडीओ ने छापेमारी कर अवैध रूप से कार्यरत चौकीदार के पास से 5 डोंगल बरामद किया। इस मामले में बरौली सीओ को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। कर्मियों से चौकीदार के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। चौकीदार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर जांच में सीओ के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।